देखिए अब हम इसका करेंगे वाटर टेस्ट। कितना भी टाइम इसको पानी में रखो कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर कुछ भी रगड़िए, कहीं स्क्रैच स्क्रूच कुछ नहीं आएगा। का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर कॉर्नर पर। आज हम आपको सिखाएंगे आयुष्मान कार्ड को पीवीसी कार्ड कैसे बनाएं। एक पीडीएफ होती है आयुष्मान कार्ड की। सबसे पहले हमें इसे ओपन विद फोटोशॉप कर लेना है। फोटोशॉप में ओपन होने से पहले ऐसा पॉपअप आपके पास आएगा। रेजोल्यूशन में कहीं किसी के 72 होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे 300 कर लेना है। 300 करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते ही हमारे पास पीडीएफ ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से एक्शन लोड कर लेना है। अगर ये किसी के पास नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से विंडो में जाना है, यहाँ एक्शन पे क्लिक करना है तो ये पॉपअप आ जाएगा। इसके यहाँ से आपको यहाँ से जाना है और यहाँ से लोड एक्शन करना है और यहाँ ये एक्शन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आपने लोड कर लेना है। लोड करते ही यहाँ से पहले स्टेप से आपने यहाँ नीचे क्लिक करके नीचे से प्ले कर देना। प्ले करने के बाद विद इन सेकेंड आपके पास ये बनकर रेडी हो जाएगा, ये फ्रंट और ये बैक। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। इसको आपको जेपीजी में सेव करना है। ऐसे ही बैग को सेव कर लेना है। और ये हमारे पास सेव हो गया। कार्ड बनाने के लिए आपको ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रिंटिंग मीडिया और इसकी कोटिंग। सबसे पहले हम प्रिंटर मीडिया को निकालेंगे। इसमें से एक कार्ड आपको निकाल के प्रिंटर में लगा देना है। अगर किसी का साइड फिटिंग है तो साइड में, अगर सेंटर है तो सेंटर में। इसको अच्छे से लगा के इसको अच्छे से टाइट कर देना, पूरा टाइट नहीं करना। प्रिंटर में कार्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रिंट की कमांड दे देनी है। यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास है, और यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेना है, कार्ड साइज। क्वालिटी आप अपने हिसाब से रख लेना। पेपर ग्लॉसी 2 करके आपको प्रिंट की कमांड दे देनी है। प्रिंटर से कमांड देते ही यहाँ पे प्रिंट प्रिंट करने लगेगा। फ्रंट साइड प्रिंट होते ही इसको ऐसे पकड़कर एज इट इज उल्टा ऐसे लगा देगा। प्रिंटर में कार्ड को उल्टा लगाने के बाद आपको यहाँ बैक साइड पे राइट क्लिक करना है और सेम सेटिंग पे बैक साइड पे प्रिंट की कमांड दे देनी है। बैक साइड की कमांड देते ही प्रिंट बैक साइड प्रिंट करने लगेगा। ये हमारे पास कार्ड फ्रंट एंड बैक बनकर रेडी है। अब हमें इसे कोटिंग देनी है जो कि इसको हार्ड कर देगी। उसके लिए ये कोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों एक साथ ही मिलेंगे। सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे सही से।
इसमें से हमें एक कोटिंग निकाल लेनी है, उसको इसके अंदर बिठा लेना है सही से ऐसे। इसको पहले बीच में डालने के बाद अच्छे से मिला के लैमिनेटर को अच्छे से हीट कर लेना है आपको, और उसके बाद इसको ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना है। देख सकते हैं इसके ऊपर आप कितना सही कार्ड बन के रेडी है, कितनी चमक है, आप इसकी चमक देख सकते हैं, और कोई इस पर स्क्रैच नहीं। अगर आप इसको हीट नहीं करेंगे सही से, इसको बार बार डालेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं। देखिए अब हम इसका करेंगे वाटर टेस्ट। कितना भी टाइम इसको पानी में रखो कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर कुछ भी रगड़िए, कितना भी टाइम कुछ करिए, कुछ नहीं होगा, ना ही कभी फेड होगा, ब्लर होगा, ना ही कभी अलग होगा, क्योंकि ये हीट करने के बाद आपस में मेल्ट हो जाता है, कहीं से कुछ नहीं होगा, कहीं स्क्रैच स्क्रूच कुछ नहीं आएगा। इसको लैमिनेटर में दो तीन बार नहीं डालना है, और ये कार्ड बनाने के लिए ये मटेरियल आप हमसे ले सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है आपके। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसको ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए हो नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू।